प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन से जुड़ा हुआ है। बच्चों देखें, ये रूल्स है जो जुड़ा हुआ है एक्सेप्शन ऑफ चेंज ऑफ टेंस। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जनरल रूल्स में चेंज ऑफ टेंस, उसी का एक्सेप्शन, उसी का अपवाद है। इसमें बताया है आपको कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसे कथन का प्रयोग किया गया हो जो इनवर्सली ट्रू हो, यानी व्यावसायिक रूप से, यानी वैश्विक रूप से सत्य हो, तो जब हम ऐसे किसी भी वाक्य को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, नहीं किया जाता है। देखिए यहां पे एग्जाम्पल है, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी क्या है, चपटी है। बनाइए इसको, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट। हम बताए थे कि थर्ड पर्सन के नाउन और प्रोनाउन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, तो शेड दैट द अर्थ इज फ्लैट। हमने यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में को बदलाव नहीं किया क्योंकि पृथ्वी चपटी है, यह एक ऐसा कथन है जो वैश्विक रूप से क्या है, सत्य है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, मोनू सेड लेबर नेवर गोज इन वैन। मोनू ने कहा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बनाए इसको, क्या होगा, मोनो शेड दैट लेबर नेवर गोज एन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमने यहां पे भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगला एग्जाम्पल है, संगीता सेड टू मोनू, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। संगीता ने मोनू से कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये भी बात यूनिवर्सली ट्रू है, अतः यहां भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। देख सुनाते हैं, संगीता टोल्ड मोनू दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमने यहां भी रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है रिवॉल्व, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और लास्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू रामू द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने रामू से कहा सूरज पूरब में उगता है, ये भी कथन जो है यूनिवर्सली ट्रू है, तो बनाइए क्या होगा, आई टोल्ड रामू दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपने देखा, हमने यहां भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया है। तो बच्चों, यह था अपवाद उस रूल का जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, और वो रूल था चेंज ऑफ टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और ये जनरल रूल्स का लास्ट पॉइंट है, वो है, इसका टाइटल है
चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ अ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ अ स्पीच। देखेंगे आगे इसमें, अगर सेंटेंस अगर डायरेक्ट और स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड अ स्पीच में एक ऐसे कथन का रिपोर्टेड अ स्पीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो दिखाते हैं निकटता को, अतः जब ऐसे हालात में उस सेंटेंस को बदला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो बदलते समय निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। हमने बताया आपको अभी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो दिखाते हैं निकटता को, अतः जब ऐसे हालात में उस सेंटेंस को बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो बदलते समय निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। जैसे देखेंगे इंग्लिश ये बदलेगा बैक में, दीज बदलेगा डाउज में, केयर बदलेगा देयर में, हैंस बदलेगा देंस में, नाउ बदलेगा देन। टुडे बदलेगा दैट डे में, टुमारो बदलेगा द कमिंग डे,
या द नेक्स्ट डे, या इसका बदल सकते हैं द फॉलोइंग डे, राइट, और डे आफ्टर टुमोरो ये बदलेगा इन टू डे। लास्ट डे बदलेगा प्रीवियस डे में या और डे बिफोर में, ये वो बदलेगा बिफोर में, ए स्टार्टेड ये बदलेगा प्रीवियस डे में या और डे बिफोर में। बच्चों जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, यानी जब किसी भी बात को बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो परिस्थितियां थोड़ी जटिल होती जाएगी। अभी तक आपने चेंज किया चेंज ऑफ पर्सन को, चेंज ऑफ टेंस को, अब आपको चेंज ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स भी करने होंगे। कुछ उदाहरण तो स्पष्ट हो जाएगा। I said to Mala, मैंने माला से कहा, क्या कहा, I have bought, sorry, I bought this book last day, मैंने माला से कहा मैंने इस किताब को पिछले दिन खरीदा, ठीक क्या होगा, आई टोल्ड मारा द पब्लिक, यहां पे चेंज ऑफ पर्सन करेंगे कैसे हो जाएगा, आई आई के हिसाब से तो करता फैक्ट में ई भी कर रहा था, आई का आई रह जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट जो कहां है पास्ट सिंपल टेंस में, कहां बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैड बाउट, दिस कहां बदलेगा बैट में बैट बुक, और लास्ट कहां, लास्ट से कहां बदलेगा देखने पर प्रीवियस डे दैट बुक प्रीवियस डे, इज दैट क्लियर। मोनिका सेड टू मोनू, मोनिका ने मोनू से कहा आई हैव कैप्ट द बुक हियर, आई हैव कैप्ट द बुक हियर, तो क्या होगा देखिए, मोनिका टोल्ड मोनू दैट, देखिए आई कैसे बदलेगा मोनिका के हिसाब से, तो कर्ताकारक में मोनिका के लिए क्या आएगा सी का प्रयोग होगा सी, और देखिए हैड कैप्ट ये बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, रिपोर्ट वर्ब कहां बदलेगा पार्ट वर्ब में जाएगा, सी हैड कैप्ट द बुक। अब देखिए यहां पे हेयर क्या दिखाता है निकटता को, ये कहां बदलेगा दूरी में, तो क्या हो जाएगा देर, क्लियर है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अमन शेख टू अनामिका,
अमन ने अनामिका से कहा, आई हैव वाउट दिस बुक टुडे एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट टुमॉरो। देखिए इसको बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए अमन टोल्ड अनामिका दैट, आई कैसे बन जाएगा, अमन के हिसाब से तो क्या बन जाएगा कि यहां रिपोर्ट है कहां है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कहां बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ही हैड बाउट दिस कहां बन जाएगा दैट में, आई हैव बाउट दैट बुक टुडे कहां बन जाएगा दैट वे टुडे, एंड देखिए फिर आई बताए कैसे बताएगा अमन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहां टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न्यूअस है, कहां बताएंगे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही वाज गोइंग टू शेयर इट टुमारो कहां बताएगा द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे, इधर क्लियर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों आज यहां पे इस वीडियो में जनरल रूल्स खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम पुनः अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे नरेशन का स्पेशल रूल्स लेकर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए हम आप इजाजत दीजिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।